की क्षमता उम्र की हर दहलीज को युवा करार देती है, लेकिन इसे सहेजना पड़ता है, समेटना पड़ता है। हस्तशिल्प के ये अनूठे नमूने इसी तरह के प्रयासों का फल हैं। ये हस्तशिल्प मेला नेहरू युवा केंद्र द्वारा दिल्ली हाट में आयोजित किया गया। इस युवा कृति हस्तशिल्प मेले में देश के 55 युवा केंद्रों ने हिस्सा लिया। नेहरू युवा केंद्र के देश भर में फैले 1,70,000 युवा मंडलों द्वारा युवाओं में सृजन चेतना जगाने का अभियान एक अरसे से चलाया जा रहा है और ये प्रदर्शनी उन्हें राष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश है। यहाँ ये सारे हस्तशिल्पी अपनी कृतियों के साथ मौजूद थे। हम लोगों के जो नियमित कार्यक्रम है उसमें एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हम लोग की कोशिश रही, ये प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जो हमारे युवक हैं, युवतियां हैं, उनको प्रशिक्षण मिले ऐसी चीज़ों में जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। ये नेहरू युवा केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि गैर छात्र जो प्रतिभाएँ हैं उनको प्रमोट करने के लिए, चाहे वो कला में हो, खेल में हो, साहित्य में हो या किसी भी गतिविधि में हो। विशेषकर जहाँ सवाल कृति का आता है तो वो सिर्फ कला से आता है, तो हस्तशिल्प के मामले में जो भी प्रतिभाएं हैं जिनके पास में कोई प्रोफेशनल मंच नहीं है, जिनको कोई प्रमोट करने के साथ नहीं, उनको हम बाजार देने का एक प्रयास करते हैं। इस सांस्कृतिक गहमा गहमी में कई तरह के कार्यक्रम भी हुए जिनका आयोजन मेले के दौरान किया गया। दूर दराज से आए ये कलाकार और शिल्पी अपने स्वावलंबन की कहानी खुद ब खुद कह रहे हैं। नए बाजार का रुख भी उनके सामने है। अच्छा लग रहा है, यहाँ आके देख रहे हैं लोग, बाग एक नया चीज है, हाथ से बनाया। ये मूर्तियाँ टोटल हाथ से बनाई हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का मशीन का उपयोग नहीं किया गया है और ये तो आदिवासी लोग ही बनाए हैं। ये अपनी तरह से राष्ट्र निर्माण में लगे ये युवा शिल्पी खरीदारों के आकर्षण का खास केंद्र बन रहे हैं। इनकी कोशिश जहां बेरोजगारी जैसी व्यापक समस्या का सहज समाधान कर रही है, वहीं सुखद भविष्य के प्रति आशान्वित भी।